बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेज़र टोनर डॉट पी के में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ चैनल को देखने वाले सब खुश होंगे, खुश अखलाक होंगे और अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि प्रिंटर में से कार्ट्रिज निकालनी कैसे है और डालनी कैसे है, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल और रिमूव कार्ट्रिज फ्रॉम प्रिंटर। तो हमारे पास प्रिंटर है HP का, HP 15W लेज़र जेट प्रो। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर से कार्ट्रिज कैसे निकालनी है। तो कार्ट्रिज निकालने का तरीका देखेंगे और रिमूव करने का तरीका कार देखेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप घर बैठे मसले का हल निकाल सकें। तो हम देखेंगे कि इस प्रिंटर से कार्ट्रिज निकालनी कैसे है। अभी हमने प्रिंटर कुछ इस तरीके से पकड़ लिया, आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं। सबसे पहले ये पेपर रखने वाला डोर है, यहाँ पर आप पेपर रखेंगे ताकि आपको दिखाया जा सके। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक डोर है, ठीक है। अब आपके पास अगर टेबल पे इस तरीके से प्रिंटर पड़ा हुआ है तो आपने ये वाले डोर से को ऊपर की तरफ करना है और ये हमारे पास अंदर कार्ट्रिज है। फिर से बता देता हूँ, अगर आपके पास प्रिंटर इस हालत में पड़ा हुआ है तो आपने किसी भी एंगल से किसी भी जगह से उसको डोर को ऊपर की तरफ करना है और ये कार्ट्रिज आपने बाहर की तरफ निकाल देनी है। वापस डालने का क्या तरीके है कि ये हैंडल इस तरीके से आपने कार्ट्रिज नहीं डालनी, आपने इसी तरीके से डालनी है। ये अलग ड्रम वाली हालत ऊपर की तरफ हो, वेस्टेज एरिया इसका नीचे की साइड को। तो ये हैंडल आपने इस तरह पकड़ना है। और एक बात की मेक श्योर कि बुलेट वाली साइड लेफ्ट साइड पे हो, राइट साइड पे इसकी गियर वाली साइड हो। तो ये अब आपने हैंडल इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से आपने कार्ट्रिज के अंदर डाल देनी है। ये कार्ट्रिज डाल दी, इंस्टॉल कर ली, वापस से ये डोर बंद कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हर आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुँचती रहे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको ये टेक्निकल तरीका पसंद आया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।